क्या तुम सबने मेरा पिछला वीडियो देखा है जहां पर मैंने जो है उन आइलैंड्स के बारे में बात किया था जहां पर लूफी फ्यूचर में जा सकता है। अब आज के वीडियो में हम लोग उसी में से एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो आइलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर तुम्हें नहीं पता मैं किस आइलैंड की बात कर रहा हूं, थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया होगा, तो पता ही होगा मैं बात करने वाला हूं आज एल्बाफ की। अब ये एल्बाफ आर्क या कह लो एल्बाफ आइलैंड, ये इतना ज्यादा वन पीस के वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट क्यों है? हर वन पीस फैन एक बात जानता है, जिस तरह से लाफ्टेल पे जाना लूफी का मतलब मोटिव है वो वहां जाके रहेगा, वैसे ही एल्बाफ भी लूफी जाके रहेगा, आज नहीं तो कल वो जरूर जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है बताऊंगा आगे, लेकिन पहले जान लेते हैं इसको लेकर के क्या क्या थ्योरीज जो है वन पीस कम्युनिटी में बनी हुई है। सबसे पहले तो देखो यार, एल्बाफ को लेकर के बहुत ज्यादा थ्योरी ये फेमस है कि ये सैंक्स की टेरिटरी है। अब लोग ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज सैंक्स का अभी तक टेरिटरी के बारे में हमें बताया नहीं गया है। सैंक्स एक योंको है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि सैंक्स का कोई ना कोई टेरिटरी जरूर होगा। और हाँ, जो लोग समझते हैं सैंक्स का कोई टेरिटरी नहीं है तो वो लोग गलत है, बिकॉज बार्थोलोमियो ने तो सैंक्स के टेरिटरी के झंडे भी जलाए थे। अब वो जो है छोटे मोटे टेरिटरी आते होंगे जो कि सैंक्स के अंडर होंगे, लेकिन हर योंको का एक बड़ा आइलैंड उसके टेरिटरी के अंडर आता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे वाइट बियर्ड जो कि प्रीवियस योंको था उसके अंडर फिशमैन आइलैंड आता था, उसके बाद ब्लैक बियर्ड को ले लो, ब्लैक बियर्ड के अंदर आइलैंड बिहाइव आता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है रॉक्स डी ज़ेबेक की वजह से। वैसे वन पीस के वर्ल्ड में ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग रॉक्स पायरेट के बारे में जानते ही नहीं है, बट वन पीस फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेमस है बिकॉज वन पीस फैंस रॉक्स का नाम तो जरूर सुन रखे हैं। रॉक्स क्या बंदा था यार। वैसे हम लोग यहाँ पे गॉड वैली रॉक्स पायरेट के बारे में बात नहीं कर रहे तो उसको हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं। नेक्स्ट योंको की तरफ बढ़ते हैं जो कि था काइडो। काइडो के अंदर आता था वानो कूनी, और वहीं अगर हम लोग बात करें बिग मॉम लिलिन की तो उसके अंडर टोटो आइलैंड आता था जिसे होल के कार्क में बताया गया था। बट जब बात करते हैं हम लोग सैंक्स के टेरिटरी की तो उसका मेन टेरिटरी अभी तक बताया नहीं गया है। वन पीस के वर्ल्ड में अगर हम लोग मिस्टीरियस कैरेक्टर की बात करें ना तो सैंक्स भी उन्हीं में से एक आता है। इससे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर उसके ऊपर आता होगा ड्रैगन, उसके बाद रॉक्स पायरेट का जो रॉक्स डी ज़ेबेक था वो आता होगा, लेकिन सैंक्स भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है बिकॉज उसके बारे में किसी को नहीं पता। आता है थोड़ा सा झलक दिखला के चला जाता है, उसका क्या मोटिव है किसी को नहीं मालूम है। वैसे पहुंच तो यार पांच बुड्ढों तक रखा है, लेकिन क्या ही बोलूं उसका मेन प्लान क्या है नहीं बता सकता। प्लस अगर वन पीस के वर्ल्ड में सबसे बैलेंस क्रू की बात की जाए तो उसमें सैंक्स का नाम टॉप पे आता है, प्लस उसके क्रू में कोई भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, सब तैरना जानते हैं। चलो आते हैं एल्बाफ पे। अब देखो एल्बाफ आइलैंड आर्क आने वाला है, इस बात का अंदाजा हमें कब मिला था पता है? जब वन पीस मांगा स्टार्ट होकर के उसको 4 ना 5 साल बीते थे, ये 4 से 5 साल के बीच में ही एल्बाफ का हमें ओडा ने फॉरशैडोइंग दे दिया था। नहीं समझे ना बेबी, वो दो जाइंट्स याद है जो आपस में लड़ रहे थे, वो वाला छोटा सा आर्क था बहुत ज्यादा बोरिंग था, पर वहां पर हमें एल्बाफ के बारे में इशारा मिल गया था कि एक एल्बाफ नाम का आइलैंड है। और काफी ज्यादा थ्योरीज तो ये बनते हैं कि इस आइलैंड में हमें उसॉप का पावर अप देखने को मिलेगा। क्या उसॉप का पावर अप देखने को मिल सकता है? मेरे हिसाब से उसॉप का पावर अप देखने को मिलना चाहिए, थोड़ा उसको स्ट्रांग बनाओ यार, भला कैसे करके वो ब्रेवेस्ट वॉरियर ऑफ द सी बनेगा? क्या वो गॉड उसॉप जैसे बना था वैसे ही बन जाएगा? खैर पता नहीं, वो तो ओडा का मर्जी है। लेकिन क्या यही चीज है जिस वजह से जो है ये आर्क इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि जायंट्स। अब देखो जायंट्स जो है वन पीस के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे स्काइपिया आर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भले ही बोरिंग है, वैसे ही ये जो जायंट है ये काफी ज्यादा अंडररेटेड है लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन पीस के वर्ल्ड में, बिकॉज एल्बाफ ही वो आर्क हो सकता है जहां पर हमें नीका के बारे में जानने को काफी ज्यादा मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो वन पीस के वर्ल्ड को अगर तुम ध्यान से देखो, तुम इसके एक एक आर्क को अगर तुमने ध्यान से देखा है ना, तो तुम एक बात गौर करना, कुछ आइलैंड के लोग ऐसे हैं जो जॉय बॉय को नहीं जानते, वो लोग नीका को जानते हैं, जैसे स्काइपिया वाले, उन लोगों ने जॉय बॉय का नाम नहीं सुना लेकिन सन गॉड का नाम सुन रखा है। प्लस एल्बाफ भी उन्हीं में से एक में आता है
जिन लोगों ने जॉय बॉय के बजाय सन गॉड का नाम सुन रखा है। अब हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे बोल सकते हैं कि मैं किस बेसिस पे कह सकता हूं कि एल्बाफ के लोग निका को जानते हैं जॉय बॉय के बजाय। देखो, इस चीज का भी अंदाजा हमें दे दिया था उड़ा ने। ये वाला सीन देखो, जहां पर जो है सन गॉड बोला गया है, मतलब ये कि ये लोग सन गॉड को जानते हैं। अब देखो, बहुत ही कम आइलैंड के लोग ऐसे हैं जो लोग सन गॉड या फिर जॉय बॉय को जानते हैं, बिकॉज बाकी दुनिया के लोगों को हिसाब से तो यार जो सेलेस्ट्रल ड्रैगन है, उन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, वो यहाँ के गॉड है। अगर उनको कुछ किया तो एडमिरल पीछे पड़ जाएगा और इसी वजह से वो जो कुछ भी करना चाहते उनको करने दो। तो देखो, सिंपल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमें सन गॉड के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा, और 800 साल पहले इसका यूजर कौन था, हो सकता है इसके बारे में भी जानने को मिल जाए, और हो सकता है विल ऑफ डी के बारे में भी थोड़ा बहुत इशारा हमें मिले। साथ ही साथ एक और थ्योरी जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है वन पीस फैंस के बीच में, वो है उसॉप वाला। बिकॉज देखो, उसॉप जितना भी झूठ उसने काया को सुनाया था, वो धीरे धीरे आगे जा करके सच हो रहा है, ऐसा ओडा कर रहा है। और अब जो है बहुत ज्यादा एक थ्योरी उसॉप को लेकर के ये फेमस है कि एल्बाफ पार्क में उसॉप को कोई हथौड़ा मिल सकता है, बिकॉज एल्बाफ का किंग तुमको पता है लोकी। और अगर लोकी जो है नॉर्थ माइथोलॉजी से ओडा ने उठाया है, मतलब ये हो सकता है कि वहां पर थॉर जैसा भी कुछ हो, ऐसा मतलब थ्योरी बोलते है। ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी मतलब फॉरनर्स के तरफ से बनाया गया है, ऐसा मतलब कहा जाता है। अब क्या ऐसा हो सकता है? देखो, सोचने वाली बात यह है कि उसॉप वो हथौड़ा को उठाने के लिए क्या वर्दी भी हो सकता है। वैसे नॉर्थ माइथोलॉजी में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मेरे को कुछ ये पता चला कि नॉर्थ माइथोलॉजी में कोई हथौड़े पे एंचेंटमेंट है नहीं कि भाई वर्दी वाला ये हथौड़ा उठा सकता है, बस उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, वो हथौड़ा उठा सकता है। हम लोग उस थ्योरी के हिसाब से कह रहे हैं, पर देखो यार, हथौड़ा निकले या ना भी निकले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उसॉप का अगर ये आर्क होता है तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि उसॉप पे थोड़ा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिले, बजाय कि जोरो की तरह। बिकॉज जोरो को बस पावरफुल बनाया ओडा ने वानो आर्क में, उसको कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट दिया नहीं ओडा ने, वैसा ना कर दे। मेरे हिसाब से उसॉप को थोड़ा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट मिले और उसका पावर भी थोड़ा बढ़े तो अच्छा लगेगा। ये कुछ तो चीजें हुई। साथ ही साथ मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकता है लूफी को वॉइस ऑफ ऑल थिंग के बारे में भी कुछ ना कुछ जानने को मिले, बिकॉज हम में से किसी को नहीं पता कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग है क्या। हम बस इतना जानते हैं लूफी आवाजें सुन सकता है और जो मोमनोस्के है वो जुनेसा को ऑर्डर दे सकता है। लूफी जुनेसा की आवाज सुन सकता है पर उसको वो ऑर्डर नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों। और इस वजह से बहुत ज्यादा थ्योरी ये निकल के आ रहा था कि हो सकता है कि जो मोमनोस्के है वो भी कोई एंसेंट वेपन हो, कि जुनेसा को वो ऑर्डर देके चलाता होगा। और ये थ्योरी बनना लाजमी ही था बिकॉज जुनेसा बहुत बड़ी हाथी है। और बड़ी हाथी से मुझे याद आया कि यहाँ पर एक और चीज निकल गया था, अगर जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के वर्ल्ड में और वन पीस के वर्ल्ड में जायंट हाथी भी एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है हमें उस आर्क में जा करके ये जायंट हाथी और इससे पहले और कौन कौन से जायंट वाले जानवर हुआ करते थे, इस बारे में भी हमें जानने को मिल जाए। साथ ही साथ हो सकता है कुछ जायंट्स को पता होगा 800 साल पहले लूनारियन का इतिहास के बारे में भी। मैं यहाँ पर 800 साल पहले बोल रहा हूँ, एक्चुअली में ये 800 साल से बहुत ही पुराने टाइम्स है, बिकॉज लूनारियंस को किंग ऑफ फ्लेम्स कहा जाता था और वो रेड लाइन में हुआ करते थे। और जब से लूनारियन का एग्जिस्टेंस वन पीस के वर्ल्ड में आया है और हमें उनके बारे में बताया गया ना भाई, काफी ज्यादा ये सवाल उठता है कि क्या रेड लाइन पहले भी एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। और अगर रेड लाइन बहुत पहले एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर लूनारियन कहां से आया, और अगर रेड लाइन एग्जिस्ट करता था तो फिर ऑल ब्लू कहां से आया। इसको लेकर के हम लोग यार नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में मुझे जो कुछ बताना था, मुझे जो बात करना था, शायद मैंने कर लिया है। और आई होप तुमको मालूम पड़ गया होगा कि आखिर एल्बाप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो देखो, हमें यहाँ पे सन गॉड निका के बारे में बहुत ज्यादा जानने को मिलेगा, साथ ही साथ हो सकता है ये उसॉप का बारे में भी जानने को मिले। नॉर्थ माइथोलॉजी से ओडा कैसे कनेक्ट करेगा इस बारे में भी जानने को मिल सकता है। और एक बात, यहाँ के लोग विल ऑफ डी के बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर रखते होंगे, बिकॉज वो रॉबिन के पास्ट में जो जायंट था वो भी डी वाले क्लैन से बिलोंग करता था। अब ये डी क्या है, क्लैन है क्या है, जो भी है पता नहीं है, लेकिन उसका भी नेम के बीच में डी आता था, मतलब हो सकता है कि उसके खानदान के कुछ ना कुछ लोग बचे हों और
उस बारे में हमें जानने को मिल जाए और डी के बारे में उस आइलैंड में हमें और अच्छे से जानने को मिले। खैर देखो आज के वीडियो में मुझे बस यही सब बात करना था यार, तुम सबका क्या मन है इसको लेके थोड़ा कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर निका का अवेकनिंग होना ही क्यों जॉय बॉय है, ऐसा ही कुछ वीडियो आएगा, कल के वीडियो का वेट करना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और हाँ यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।